इनके बारिश की वजह से डूब गए हैं, लेकिन एक बड़ी वजह रही है यमुना के उफान पर होने की। और दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली का अगर हम इलाके की बात करें, आईटीओ, उसके अलावा राजघाट या फिर सुप्रीम कोर्ट या प्रगति मैदान या फिर ये जो रोड है यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर जो है जो सबसे ज्यादा पानी आया है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक बांध बना हुआ था, एक रेगुलेटर था, वो टूट गया है। ये देखिए, एक तरफ ये इस वक्त यमुना का पानी है तो एक तरफ नाले का पानी है। इस सबके बीच में इस तरीके का एक ये रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है ये बना हुआ था और वो उसका एक हिस्सा टूट गया। उसका असर क्या हुआ? यमुना का पानी नाले के पानी में मिला और नाले का पानी बैक फ्लो करके शहर के अंदर चला गया यमुना के पानी के साथ में। लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है सेना के जवानों को और सेना के जवानों ने ये काम बखूबी जो है लगभग कंप्लीट भी कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, एक टेम्परेरी रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे कि यमुना का पानी नाले के पानी में ना मिले। यहाँ पर जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी है वो भी यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कोर के हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूरे जो काम का निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। तेजिंदर जी हमारे साथ में है, CEO है इंजीनियरिंग डिवीजन में। तेजिंदर जी, अगर हम बात करें क्या मुश्किलें थी पहले और अब क्या किया गया? देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। करीबन 9:30 कल सुबह में रिक्विजिशन किया गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, हमने एसेस किया सिचुएशन को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया। करीबन 1:30 पे हमने दोपहर को ये काम शुरू किया और रात को करीबन 10:30 पे हमने कंप्लीट किया। इसका एम था कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना का फ्लो अभी तो बिल्कुल ही यहाँ पर शांत दिख रहा है, पर कल अगर मैं आपको फोटो वीडियो दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा फ्लो में था और वो दिल्ली की तरफ जा रहा था। हमने जो ये बंड बनाया है उसके कारण आप देख सकते हैं फ्लो बिल्कुल यहाँ पर रुक चुका है। एंड इनफैक्ट जो बैक फ्लो होना चाहिए, नेचुरल बैक फ्लो फ्रॉम द सिटी टुवर्ड्स यमुना, दैट विल आल्सो रिज्यूम नाउ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बंड दैट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम द आर्मी। पहले यहाँ पर ऑलरेडी एक रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है वो था, यानी कि जो जिससे कि यमुना का पानी शहर में ना आए, लेकिन वो टूट गया था। टूट गया था वो, आप देख सकते हैं ऐसे जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये सेम अलाइनमेंट था इसका, थोड़ा पीछे था, हम करीबन 5 मीटर और आगे आए और हमने ये बंड बनाया। तो देखिए, पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये एक तटबंध सा बना हुआ था, एक रेगुलेटर था और ये जो है जो पत्थर पड़े हुए हैं ये उसी के टूटा हुआ हिस्सा है। इसके चलते होता ये था कि अगर यमुना उफान पे भी आती थी तो वो पानी वहां तक नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि ये टूट गया लिहाजा शहर के अंदर पानी जाने लगा, नाले में वो पानी मिल गया और वो शहर के अंदर बैक फ्लो होने लगा। लेकिन फिलहाल अब सेना की क्या जिम्मेदारी है, सेना को जो यहाँ पर बुलाया गया है इंजीनियरिंग डिवीजन के जवानों को, उसका मकसद ये था कि यहाँ पर वो एक टेम्परेरी सही लेकिन फौरी इंतजाम किया जाए जिससे कि पानी को शहर में जाने से रोका जा सके। तो तेजिंदर जी, फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी ये क्या काम चल रहा है? अभी जो हमारा मेन बंड था वो जैसे आपको बताया कि रात को 10:30 खत्म हो गया है, अभी वह हम एडिशनल सिक्योरिंग कर रहे हैं इसको कि इन केस पानी और बढ़ता है या स्पीड से और आता है कभी, अगर पानी एक्स्ट्रा रिलीज होता है तो उसका हम अभी से इंतजाम कर रहे हैं। आप लोगों ने ये रेगुलेटर बनाने का, टेम्परेरी रेगुलेटर बनाने का काम कितनी देर में पूरा कर लिया? ये कल हमने 1:30 पे शुरू किया था और रात को अराउंड 10:30 पे खत्म कर दिया। मतलब 8-9 घंटे में आपने सुनिश्चित कर दिया कि कम से कम अब यमुना का पानी शहर के अंदर ना जाए। एटलीस्ट स्लुइस गेट नंबर 12 से तो अंदर नहीं जाएगा। गेट नंबर 12 से अंदर नहीं जाएगा, कोई दुश्मन जो है हमारी हमारी सीमा की तरफ नजर नहीं उठा सकता, वो किसी भी सूरत में हमारी सीमा के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, ये सुनिश्चित करती है सेना। लेकिन सेना का एक दूसरा विंग है इंजीनियरिंग विंग, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर देश को आपात स्थिति में जरूरत पड़े तो वहां पर इस तरीके से कदम उठा करके सुनिश्चित करे, जैसा कि यहां पर हमको तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि जो इंजीनियरिंग विंग के जवान हैं वो यहां पर अभी भी जो डटे हुए हैं। हालांकि टेम्परेरी ये जो तटबंध है वो बन गया है, लेकिन अभी भी काम क्योंकि पूरी तरह से 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि जब तक यहाँ पर दोबारा प्रॉपर जो है तटबंध नहीं बन जाता, रेगुलेटर नहीं बन जाता, तब तक कम से कम अगर यमुना दोबारा उफान पे आती भी है तब भी वो पानी शहर के अंदर ना जाए, शहर को ना डुबोए। और उसी वजह से अब जो जल स्तर है वो तो यमुना का कम हो ही रहा है, लेकिन शहर के अंदर अभी तक जो यमुना का पानी जा रहा था आईटीओ के आसपास वो भी काफी हद तक कम हो गया है और उम्मीद की जा रही है अगले कुछ घंटों में हालात धीरे धीरे करके सामान्य होते हुए और नजर आएंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।